ये रहे इरफान भाई की V3 एंड अपन V3 में ब्लॉग बना रहे, बट ये नॉन ABS है। जब ये लॉन्च हुआ था, जब ये लॉन्च हुआ था तो इरफान भाई ने तभी ये गाड़ी ले ली थी, उनको बहुत पसंद थी मतलब। और भाई इतने शौकीन है ना यमहा की गाड़ी की, फर्स्ट गाड़ी उनके पास आई थिंक RX 100 रखे थे, पता नहीं उनके पास है कि नहीं है, रहता तो मैं RX 100 उनका जरूर लेता ब्लॉक के लिए यार, मेरे को बहुत पसंद है गाड़ी वो। सो भाई बारिश स्टार्ट हो रहा है, मौसम चेक करो यार कितना प्यारा मौसम है। दोनों गाड़ी को चेक करो गाइस, यह है स्पोर्ट वर्ज R15 V3 एंड अपना ड्यूक 200। भाई ट्रेलर चेक करो यार आप लोग, कितना बड़ा है। तो चलते हैं अभी। सो इरफान भाई अभी पीछे आ रहे, आप देखो साइड मिरर में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, दिख रहा है। सो मोहब्बत से ही चलेंगे गाइस, मतलब एक चीज समझ में नहीं आ रहा मौसम का भी, बारिश कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, 10 मिनट में आ रहा है 10 मिनट में नहीं आ रहा है। तो पीछे अभी Insta360 इरफान भाई लगाए, पीछे पीछे चल रहे हैं। सो एक चीज़ तो यार इरफान भाई अंदर से ना भाई बहुत तकलीफ़ में है, मतलब बोल नहीं पा रहे हैं, जाहिर सी बात है यार उतना महंगा कैमरा है, 50-60 हज़ार रुपये का कैमरा है यार, उतना बड़ा डैमेज हो गया इरफान भाई का। हाँ सो गाइस देखो अपनी मिनियन को और इरफान भाई को मैं दिखा रहा हूँ। तो गाइस आप लोग से एक रिक्वेस्ट है यार, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो भाई, प्यार दिखाओ यार, प्यार करो, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ यार मैं। देख रहे हो गाइस, मतलब हम लोग भी ना रिक्स पे खेल के आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, और देखिए ना आप लोग सामने भी क्या इंसिडेंट हुआ भाई, कैमरा गिर के टूट गया गाइस। सोचो यार मतलब व्लॉग के चक्कर में क्या क्या नहीं होना, मतलब क्या क्या खोना पड़ता है हम लोगों को यार, कितना नुकसान उठाना पड़ता है व्लॉग के चक्कर में। एंड गाइस हवा भी बहुत चल रहा है, ओ भाई क्या ही मौसम है यार, क्या ही बोलो, दिल खुश हो गया एकदम। एंड आई होप डैट कि GoPro Insta360 पीछे लगा है, साइड मिरर में दिखे थोड़ा। सो इरफान भाई को देखो आप लोग यार, ड्यूक भी अच्छी लग रही इन पे। हाँ गाइस मगर गाइस क्या ही बोलूँ, भाई के साथ सीन हो गया थोड़ा, मुझे भी भाई थोड़ा अंदर से था भाई तकलीफ हुआ है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि मैं पेन को समझ पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी हो चुका है इंसिडेंट। मेरा GoPro नया नया लिया था गाइस, एक बंदे के वजह से मेरा GoPro नीचे गिर गया, सो थोड़ा डैमेज हो गया था, बट इरफान भाई का कुछ ज़्यादा ही डैमेज हो गया है यार। अभी भाई एडवेंचर की गाड़ी, अभी एडवेंचर जैसे चला रहे, कुछ बोल रहे कि मैं एडवेंचर के मज़े ले लेता हूँ।
गाइस यहाँ पे क्या थोड़ा सा डर है ब्रेकिंग करने में, उसके लिए मैं आराम से चल रहा हूँ नॉन एबीएस है। बाकी गाइस कॉर्नरिंग करने मज़ा आ रही है गाड़ी से। और भाई रोड चेक मारो यार, कितना प्यारा रोड है। फर्स्ट टाइम मैं रोड पे आया हूँ। वाओ यार, अपनी नवी मुंबई बहुत प्यारा है कसम से यार। ऐसा बहुत सारी जगह नवी मुंबई में है कि मैंने अभी तक भाई देखा ही नहीं है। सो वेल, अपन आराम से ही चलेंगे थोड़ा अभी, बिकॉज रोड का कंडीशन देखो यार, छोटे छोटे पार्टिकल्स और स्टोन्स है तो उस पर गाड़ी थोड़ा सा स्लिप हो सकता है। बट आई होप दैट कि एवरीथिंग इज़ फाइन। थाने, पुणे, मुंबई, उल्वे, बेलापुर। सो देख लो गाइस, अपन है नवी मुंबई में। गाइस बहुत स्मूथ चल रहा है गाड़ी। तो गाइस दोनों गाड़ी के लगता है चैंस पॉकेट चलेगी, इसकी चैंस पॉकेट से भी आवाज़ आ रही है, मेरी गाड़ी से तो कतई ज़्यादा आवाज़ है। सो देखते हैं इरफान भाई क्या बोलना चाहते हैं। क्या हो गया इरफान भाई? यहाँ से चलिए लेफ्ट ले लीजिए, कोई मुश्किल नहीं है। भाई क्या है ना कि मेरा बैटरी आई थिंक ज़्यादा नहीं बचा है। ओ भाई बैटरी मेरा ज़्यादा चार्ज नहीं है गोप्रो का। सो भाई का रिएक्शन चेक करो। अबे ओ भाई, फोन पे बात कर रहा, गाड़ी चला रहा ये। सो गाइस थोड़ा यहाँ पे केयरफुल होकर चलाना पड़ेगा। अबे भाई पापा की परी, गाइस देख रहे हो पापा की परी कैसे गाड़ी चला रही है। पापा की परी नहीं, सॉरी गाइस दादी जी है, बट दादी ऐसा गाड़ी चला रही है क्या ही बोलना अभी। डोंगरी आई थिंक ये उल्वे साइड आ गए हम लोग। स्वाज उल्वे घूम रहे गाइस। काफी दिनों बाद आया हूँ उल्वे में, उल्वे नवी मुंबई। जब मैं फर्स्ट टाइम आया था मतलब तो सोचा था कि उल्वे में मतलब मैं घर ले लूं, बट फिर मैं बोला नहीं थोड़ा डिस्टेंस पे हो जाएगा, और मुझे खारघर बहुत पसंद आया गाइस, तो खारघर में मैंने वहाँ पे घर ले लिया, वहाँ पे शिफ्ट हो गए हम लोग। और ये बारिश का सो गाइस देख लो यार, उल्वे का सीन देख लो आप लोग, ये है उल्वे। कहाँ जाना है? सो इरफान भाई कैसे मैप देख रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, मेरे ख्याल से ऑडियो सुन के चल रहे हैं वो।
एंड बारिश तो यार क्या ही बोलो, एकदम दम करके रखा हुआ है। और थोड़ा रोड भी ना गाइस सही नहीं है,